ये आज हम लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को समझेंगे, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। परमुटेशंस का जो मीनिंग होता है वो होता है अरेंजमेंट, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल्स लेके अगर समझें कि सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं ना, ठीक है। हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 3 चेयर्स हैं, ठीक है, चेयर 1, चेयर 2 और चेयर 3। और हमारे पास 3 डिफरेंट पर्सन हैं, जैसे मान लो एक है दीपांशु हो गया, एक हिमांशु हो गया और एक राहुल हो गया, 3 लोग हैं। अब तीनों लोगों को इस चेयर में बिठाना है हम लोग को, समझ में आ रहा है। तो जब हम एक में मान लो फर्स्ट केस क्या होगा, दीपांशु यहाँ बैठ जाएगा, हिमांशु यहाँ और राहुल यहाँ बैठ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि यहाँ हिमांशु बैठ गया, यहाँ दीपांशु, यहाँ पर राहुल बैठ सकता है, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दीपांशु यहाँ, यहाँ राहुल, यहाँ हिमांशु, ठीक है, यहाँ हिमांशु, यहाँ राहुल, दीपांशु, ठीक है। उसके बाद यहाँ राहुल को बिठा दो, दीपांशु, हिमांशु, हिमांशु। तो कहने का मतलब 6 पॉसिबिलिटी है, 6 डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट हो सकते हैं यदि अगर 3 लोगों को 3 चेयर में बिठाया जाए तो, है ना। तो अरेंजमेंट को परमुटेशंस में अलग काउंट करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स को अलग काउंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल जो है, अगर परमुटेशन पूछा जाए कि 3 पर्सन है और तीनों को 3 चेयर में कितने तरीके से बिठा सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो क्या होगा हमारा, तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला जो होता है परमुटेशन का हमारा NPR होता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला से भी निकालें तो भी निकल जाएगा, जैसे n का वैल्यू 3 पर्सन हो गए और बिठाना है कितने तरीके से, 3, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 3p3, तो ये हमारे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0 हो जाएंगे, तो ये 6/1 मतलब कितने हो गए, 6 हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। जैसे हम लोग देखते हैं ना मोबाइल नंबर सबको डिफरेंट मिलता है ना, तो मोबाइल नंबर हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन और परमुटेशन से कह सकते हैं वहाँ पर हो गया, या कोई भी व्हीकल्स वगैरह उसका अलग अलग नंबरिंग है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में, ठीक है। और कम्बिनेशन मतलब कम्बिनेशंस में हम लोग ऑर्डर को मायने नहीं देते, ऑर्डर चाहे 3 बैठेगा कहलाएगा एक ही, है ना। तो कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है हमारा, कम्बिनेशन को अगर ध्यान दे तो ये 1 ही होगा इसका, है? और कम्बिनेशन में फार्मूला होता है NCR फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल r n माइनस r। तो 3CR अगर ले लें हम तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 3, तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो 3 ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से अगर परमुटेशन कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, लेकिन कम्बिनेशन कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो हम लोग परमुटेशंस का मतलब यही हुआ कि उसमें हर एक अलग अरेंजमेंट को अलग काउंट करते हैं, है ना। लेकिन कम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कैसे भी बैठे हम लोग 1 काउंट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR का ये होता है और परमुटेशंस का ये होता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन से हम लोग आते हैं, हम लोग इसमें देखो, पहला अगर हम ध्यान देंगे, पहले बोला रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। हमारे पास यहाँ पर गिवन है 5 नंबर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और बनाना कितने डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे मान लो 1, 2, 3 बना लिए, 2, 3, 1 बना सकते हैं, है ना, या फिर ये 3, 4, 5 बना सकते हैं,
लेकिन इस तरीके से कितने बना सकते हैं ये पूछा जा रहा है हम लोग, है ना। तो देखो इसको ध्यान से, ये हम लोग ना तीन बॉक्स बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो पहले हाँ इसमें बॉक्स बनाना है तभी समझ में आएगा। तो तीन डिजिट का नंबर है तो तीन बॉक्स बना लिए हम लोग। तो हमारे पास इस डिजिट को अगर देखा जाए, इसमें बोला जा रहा है पहले में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, जो एक बार यूज़ कर लिए वो दोबारा भी यूज हो सकता है। तो कहने का मतलब इस बॉक्स को हम लोग वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, थ्री भी लिख सकते हैं, फोर भी, और तो ये फाइव तरीके से ये बॉक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं 5P1 लिख लो, ठीक है। अब ये दूसरा जो बॉक्स है, चूँकि हमारा रिपीटेशन अलाउड है तो इसलिए ये भी हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5P1। तीसरे वाले बॉक्स में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक बार रिपीट हो सकता है, तो ये भी बॉक्स हमारा हो गया 5P1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, केस वन के लिए क्या हो जाएगा, 5P1 × 5P1 × 5P1 है। तो 5P1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 by factorial 4 है ना। तो ये हमारा 5, तो कितने आ गए हमारे 125 व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर वो सिंपल n इक्वल टू हमारा 5 है और r का वैल्यू 3 दे दिया है, समझे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो फिर तुम यही लगा देंगे, मतलब हमारा हो जाएगा NPR, तो 5P3, तो फैक्टोरियल 5 बाय क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर है तो बनाना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4, यहाँ 2 हो जाएगा ये, यस सर, 5 − 3 होता है, 5, 4, 3, हाँ, 60 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो कितने आ गए आंसर, 60। समझ में आ गया, परमुटेशंस का थोड़ा सा आइडिया होगा, कॉम्बिनेशन का, ठीक है।